नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे पांच ऐसे टिप्स जो आपको OBE एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। यह वीडियो वैसे तो मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन फिर भी कोई भी कहीं भी OBE एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है कंटेंट और रिसोर्सेज। मतलब कि OBE एग्जाम में क्या होता है, अधिकतर बच्चे यही सोचते हैं कि OBE क्या मतलब ओपन बुक एग्जाम, तो नकल करने का प्रयास करते हैं उसके दौरान। एक प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार क्वेश्चन जो है इस तरह फ्रेम रहता है कि डायरेक्ट हम उसको कहीं से छाप नहीं सकते। तो ऐसे समय पे क्या करते हैं बच्चे, जो क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आगे मिलता है वही पूरा लिख डालते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो टीचर होता है उसको लगता है कि OBE, उस टीचर का यही माइंडसेट रहता है कि OBE था, फिर भी इसने जो है कंटेंट उतने अच्छे नहीं लिखे जितना रहने चाहिए, तो ये और बढ़िया कर सकता था। तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आ जाती है कि टीचर के अंदर माइंडसेट बन जाता है कि हाँ इसने छापा है और उसके बाद उसमें भी वो बेस्ट नहीं कर पाया है। दूसरी जो चीज़ है कि इसको लाइटली नहीं लेना है OBE एग्जाम को। OBE एग्जाम में सबसे बड़ी कई दिक्कतें, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है या फिर कई बार बच्चे पढ़ते नहीं हैं कि इसमें नकल कर लेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक तो समय आपके पास कम रहता और आप जल्दी जल्दी रिसोर्सेज करते हैं और आप अच्छे कंटेंट को जो है अपने आंसर में नहीं लिख पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपकी जो आंसर राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होने हो पाती है जितना हम लोग मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, जितना टीचर एक्सपेक्ट करते हैं। कोई जो तीसरी चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है हर एक जगह टाइम मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है। ऐसे ही OBE में जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है और आपको स्कैन भी करना, अपलोड भी करना है, रिसोर्सेज भी लिखने हैं। और कई बार क्या होता है नकल करने के चक्कर में क्या होता है बच्चे जो है अच्छे से अपना आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट के बाद एक चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉल्यूशन या फिर आंसर का एनालिसिस। जो हमने एक आंसर अभी तक लिखा, कई बार क्या होता क्वेश्चन जो आया उसको हमने फिर कंटेंट जो है जहाँ से पाए हम आगे से वहीं से लिख दिया, लेकिन हमारे पास आखिरी में 20 से 25 मिनट ज़रूर रहना चाहिए एनालिसिस करने के लिए कि हमने जो सॉल्यूशन किया है, मैंने जो सॉल्व किया, मैंने जो आंसर्स लिखे हैं उसमें मैंने लिखा तो लिखा क्या है आखिर में। तो इस चीज़ का एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसमें, OBE में, ओपन बुक एग्जाम में। पांचवी जो चीज़ है वो है कि आप पहले से अपने फैक्ट्स का या फिर आपके जो की पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चंस के आप 10 साल पहले के मतलब 10 साल के पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए और देखिए कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, उस हिसाब से आप एक वो बना लीजिए, सेमी नोट्स बना लीजिए, उसमें सिर्फ जो आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बनाइए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो इसके आंसर में क्या लिखना है। तो उन की पॉइंट्स का अगर आप इस्तेमाल करके लिखेंगे, मतलब उन की पॉइंट्स का जो सेमी आप नोट्स बनाए रहेंगे उसको आप अपने पास रखिएगा। ये नहीं है कि पूरी किताब आप लेकर बैठ जाइए वैसे के वैसे छाप लीजिए। टीचर जो होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ आपने कहाँ से लिखा। तो ऐसे समय में क्या हो जाएगा कि टीचर जो है वो गुस्सा भी सकता है और आपको जीरो भी कर सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब कि आपको फैक्ट्स जो है पहले से रखने में है और बस की पॉइंट्स ही रखने हैं और उन की पॉइंट्स से जो है आपको आंसर लिखना है, कंटेंट बनाना है। इससे कई फायदा होगा, आपको पता रहेगा कि कौन से की पॉइंट्स कहाँ लिखने हैं। लेकिन जब हम कंटेंट पूरा लिखने लगते हैं तो एक बार हम बुक में देखते हैं फिर उसमें लिखते हैं, इससे कई बार हमारी गर्दन में भी दर्द होने चालू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का मतलब इन पाँच बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आप OBE में बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। यह था पांच ट्रिक, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।